प्रेज द लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया, एक नया सप्ताह परमेश्वर ने हमको दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमेसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो एक सबक है मेरे और आपके लिए, हर एक विश्वासी के लिए। और वो सबक हमें कौन सिखाता है? मणिपुर के लोग। तो अभी तक मणिपुर में स्थिति बहाल नहीं हुई है, अभी भी कुछ कुछ खबरें वहाँ से आ रही हैं, लेकिन हम प्रार्थना में लगे रहेंगे। निरंतर प्रार्थना हो रही है मणिपुर के लिए। पूरा विश्व इस समय मणिपुर को अपना केंद्र बिंदु बनाकर उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। तो बहुत जल्दी हम एक बड़ा काम परमेश्वर का वहाँ पर देखेंगे। लेकिन आज का जो संदेश है वो मेरे और आपके लिए है। हमने क्या करना है, क्या सीखा है, क्या जान सकते हैं हम इन बातों से जो हमारे सामने हो रही हैं, हमें कैसे सतर्क सावधान होने की ज़रूरत है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। हाँ, ट्रू पल्स में आज का सवाल बहुत आसान है। एक स्त्री का जिक्र है जो कंगाल विधवा है। उसने दान में क्या डाला था? पूरी बात आपको बतानी, क्या डाला था उसने, तो अगर आप बता सकते हैं तो लिख दीजिए कमेंट्स में, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर ज़रूर बातचीत कीजिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरा चैनल थोड़ा पीछे चल रहा है, तो गुजारिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे मैसेजेस को, जो ये जो वीडियोज़ हैं इनको शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ सकें और इन सच्चाइयों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। एक प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मेरे की तरह आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ, दुख, तकलीफें, लड़ाई, झगड़े, तफरके, मनमुटाव, तलाक, बेरोजगारी, नशा, कर्जे, बांझपन और बुरी बीमारियां हर एक घर से दूर कर दें। जो लोग घरों से चले गए हैं, खो गए हैं, उन्हें वापस घर तक लेकर आ प्रभु, ताकि हर घर में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो संदेश है वो है कि सबक सिखाते मणिपुर के लोग। क्या सिखाया गया है हमको बाइबल के द्वारा, जिसके तहत हम लोग वैसे ही अगर अपने जीवन को व्यतीत करें तो हम चाहे मर भी जाएं तो परमेश्वर का वायदा है, प्रभु यीशु मसीह का वायदा हमसे कि जो मर जाएगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। तो हम अनंत जीवन पाने के लिए क्या करें? हम सतर्क रहें, खड़े रहें, चाहे कोई हमें मारे पीटे, जान से भी मार दे, हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहें। मैं आपके सामने कुछ वचन रखना चाहता हूँ आज। लूका रचित सुसमाचार है 21 अध्याय, और जब हम उसके 10 पद से पढ़ते हैं आगे तक, तो देखिए प्रभु यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी की है और वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है, क्योंकि जो मणिपुर में हो रहा है वो तो होना ही था, जो हो रहा है वो होना ही था, क्योंकि बाइबल इस बात का जिक्र करती है। आइए देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसके 10 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, तब उसने उनसे कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और बड़े बड़े भूइंडोल यानी कि अर्थक्विक या भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और मरियां पड़ेंगी और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। ये यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की आने वाले दिनों के लिए। लेकिन 12 पद में जो यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं उस पर हमें गौर करने की जरूरत है दोस्तों। मैं 12 पद को यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, पढ़िए कि लिखा क्या है। यहाँ पर लिखा, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे। यीशु मसीह के नाम के कारण लोग हमें इसलिए मारते हैं, पीटते हैं, मर्डर कर देते हैं, चर्च जला देते हैं, बाइबल जला देते हैं, क्योंकि हम मसीही कहलाते हैं। और मसीहों का काम क्या है? ना तो हम किसी से लड़ते हैं, ना हम किसी के ऊपर अटैक करते हैं, ना किसी को गाली देते हैं,
आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, न्यूज़ में देख लीजिए, तो कहीं पर भी मर्डर केस में, रेप केस में कहीं पर भी क्रिश्चियंस का नाम नहीं मिलेगा। क्रिश्चियंस को दो ही सेवा के लिए जाना जाता है, एक मेडिकल लाइन में और एक शिक्षा में। तो इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन फिर भी ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया, हमें सतर्क किया है, सावधान किया है। 12वां पद लिखा है, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। राजाओं या मंत्रियों के सामने, नेताओं के सामने हमें लेकर जाकर खड़ा करेंगे और गलत गलत लांछन लगाकर हमें गिरफ्तार करने का प्रयास करेंगे। ये यीशु मसीह के शब्द हैं, ये यीशु मसीह की भविष्यवाणी है। आज से 2023 साल पहले जो यीशु मसीह ने कहा था वो आज वहाँ यहाँ पर पूरा हो रहा है। यही मणिपुर में हो रहा है, यही छत्तीसगढ़ में हो रहा है, यही मध्य प्रदेश में, यूपी में और जगह जगह के क्षेत्रों में ऐसा ही हो रहा है। यीशु मसीह के नाम के कारण हमें सताया जा रहा है। लेकिन यीशु मसीह आगे इसका एक रास्ता हमको बताते हैं, हमें करना क्या है। आइए चलेंगे आगे। लिखा, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा। ऐसा होगा हमारे साथ, लोग सताएंगे और जेल खाने में डालेंगे, जो भी 12 वचन में हमने पढ़ा है। 13 में लिखा है, पर वो ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा, इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करें कि कोई हमें पकड़ ले तो हम क्या जवाब देंगे। प्रभु उसी समय हमें बता देगा कि हमें बोलना क्या है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना करने पाएंगे। ये यीशु मसीह का वायदा है, इसे नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। 15वां पद लिखा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन नहीं करने पाएंगे। वो कह नहीं पाएंगे यार तुम गलत कह रहे हो, वो सामना नहीं कर पाएंगे। 16वां पद में बताते हैं प्रभु यीशु मसीह, और तुम्हारे माता पिता और भाई कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कितनों को मरवा भी डालेंगे, रिश्तेदार भी, अपने लोग भी क्या हो जाएंगे, हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे, वो हमें मरवा डालेंगे। ठीक है, 17वां पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। बहुत बड़ी बात है ये। आज हम प्रभु के कहलाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, सच्चाई से खराई से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन लोग हमारे विरोध में खड़े हो गए हैं। मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है, चर्च जलाए जा रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है, किसके लिए? सिर्फ एक नाम के कारण, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो सब नामों में श्रेष्ठ है। फिर 18वां पद में लिखा है, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। ये यीशु मसीह का वायदा है। और आखिर में देखिए 19वां पद में लिखा है, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। जब हम धीरज धरे रहेंगे, पलट कर जवाब नहीं देंगे, गालियां नहीं देंगे, हथियार नहीं उठा लेंगे, हम अपने प्राणों को बचा लेंगे। दोस्तों, ये बहुत ऐसी शिक्षा है, ये ऐसी भविष्यवाणी है प्रभु यीशु मसीह की, जो हमें ढाढ़स बंधाती है। यीशु मसीह ने साफ रीति से कहा कि मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे, बंदी गृह में डालेंगे, नेताओं के सामने ले जाकर खड़ा कर देंगे, राजाओं के सामने, हाकिमों के सामने ले जाकर खड़ा कर देंगे और बहुतों को मरवा भी डालेंगे। और ऐसा हो रहा है, लेकिन हमें अंत तक धीरज धरना है। क्योंकि इसका जो प्रतिफल है वो बड़ा है। आइए देखेंगे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसके 10वां पद में क्या लिखा है। यह लिखा है, जो दुख तुमको झेलने होंगे उनसे मत डर। जो दुख हम झेल रहे हैं, मणिपुर के जो हमारे भाई बहन हैं, बुजुर्ग हैं, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, उनके लिए ये वचन है, ध्यान से सुने। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ। और आगे देखिए क्या लिखा है, तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक, मृत्यु के आने तक हम विश्वासी बने रहें तब हमें जीवन का मुकुट मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। दोस्तों, जैसा कि मणिपुर में हम देख रहे हैं, वहाँ के लोग जो प्रभु के लोग हैं, शांत हैं, बिल्कुल मर रहे हैं, खप रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मुंह से कोई गुहार नहीं निकल रही। बस वो बड़े लोगों से, जो बड़े अहदों पर बैठे हैं, उनसे गुहार करते हैं कि हमारी सुधि ले। दोस्तों, हमें उनसे कुछ सीखना है, कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो इसलिए सजग रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, बस प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि प्रार्थना का कवर
जब हम प्रार्थना में अपने आप को छुपा लेते हैं तब हम सुरक्षित रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो जरूर कमेंट्स में लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस सच्चाई को जानें कि प्रभु यीशु मसीह ने आज के दिनों के बारे में क्या भविष्यवाणी की है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपल्स में आज का सवाल है कि एक कंगाल विधवा थी जिसको यीशु मसीह ने दान डालते हुए देखा, क्या डाला था उसने दान में? बता सकते हैं तो जरूर कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स वक्त में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रार्थना में निरंतर लगे रहिए और यीशु मसीह की इन भविष्यवाणियों को याद रखिए कि ऐसा तो होना ही है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।